यार कोई नहीं जरूरत है, पैसे दे दो क्या करा यार। एक घंटे से ज्यादा लिफ्ट में बंद कर, एक हफ्ते में लिफ्ट में एक घंटे में लिफ्ट में बंद होकर जो हमने सफोकेशन, जो हमने एक घंटे की सफोकेशन एक लिफ्ट में महसूस की है, 25 करोड़ आवाम 16 महीने से ये सफोकेशन देख रहे हैं। एक काला कोट रह गया था जिसकी आवाज को बंद नहीं कर सकते थे, आज वो भी कोशिश कर ली, हम मरने से बच गए। फहमी में है कि इस तरह से वकला के ये अज़्म को मार देंगे, मैं मर भी जाता तो भी ये काला कोट जिंदा रहता। और ये आईन की बालादस्ती, ये कानून की हुक्मरानी, ये पाकिस्तान की अजमत, ये जमहूर का हक, ये हमेशा वकला नहीं जिसका अलम उठाया है। आज भी हमें किसी फर्द वाहिद से सरोकार नहीं है, हमें मुल्क की अजमत चाहिए, हमें आईन की बहाली चाहिए, हमें कानून की बालादस्ती चाहिए, हमें अदलिया को आजाद देखना है और आजाद फैसले करें। अल्लाह अल्लाह को गवाह बनाकर किसी शख्स के नीचे ना झुकें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। छोटे छोटे खुदा हमने इस तरह खशो खा की तरह बहाते हुए बहते हुए देखे हैं और इंशाल्लाह हम वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं। सर आपको बंद किया गया, बंद हुई थी या बंद किया गया था? अजीब सवाल ही करो सर, आपकी तबीयत ठीक करने के लिए गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई सर, आए सर, आए तशरीफ रखे। या अल्लाह तेरा शुक्र सर, शहीन साहब भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फसा साहब निकल चुके हैं, लिफ्ट के अंदर फंसे हुए थे। फसा साहब आखिरी पैगाम अपने चाहने वालों को क्या देंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद।